कुछ है मैसे की मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरेक से बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा वह महान परमेश्वर और महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। आइए हम वचन को देखते हैं। मत्ती रचि सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से आइए देखते हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से दूर चले जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है कि देखो, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। कहता है परंतु वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा कि जो उस स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहता हर कोई जो कह रहा है हे प्रभु कह के मुझे पुकारता है, कहता है उनमें से सबके सब स्वर्ग में जाने वाले नहीं होंगे, परंतु वही व्यक्ति जाने वाला होगा जो स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा पर जो जीवन जीता हो। कहता है देखो, क्योंकि अंत का जब दिन आएगा, न्याय के समय, बहुत से लोग मेरे सामने आएंगे, खड़े होंगे और मुझसे सवाल करेंगे, कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। वह लोग कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। कहता है कि वह न्याय का जब दिन आएगा ना, जैसे कि न्याय के दिन में सारे के सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीता है। यीशु मसीह ने कहा, देखो स्वर्ग में सिर्फ वही जाएगा, वह पहले ही आगाह कर दिया। इसीलिए प्रभु कहता है कि बुराई को त्यागो, भलाई के मार्ग पर चलो। तो जो कोई बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग अपनाता है, परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीता, वही परमेश्वर के लायक है और वही परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। और जो कोई सिर्फ प्रभु प्रभु करता है और उसकी इच्छा पर जीवन नहीं जीता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, कहता है वह स्वर्ग के लायक नहीं है। कहता है देखो, जब न्याय होगा ना, तो बहुत से लोग मेरे सामने आएंगे, कहेंगे हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं दिखाए। कहता है कि उस समय मैं ऐसे लोगों को जवाब दूंगा, कैसे लोगों को, कि जो सिर्फ हे प्रभु कहते हैं, लेकिन ये उस हे प्रभु कहते हैं लेकिन प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते। कहता है ऐसे लोग जब मेरे सामने खड़े होंगे न्याय के समय, मेरे न्याय को देखकर वह जब सवाल उत्पन्न करेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तो कहता मैं उस समय उनसे जवाब दूंगा, उस समय उनको जवाब दूंगा, कहूंगा कि मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुझको कभी नहीं जाना, मैंने तुझे कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से दूर हट जा। कहता उस समय मैं उनको जवाब दूंगा, कहूंगा कि हे कुकर्मी, मेरे आंखों के सामने से दूर हट जा, क्योंकि मैंने तुझे कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा। कहता है कि मैंने तुझे कभी नहीं देखा, इसलिए हे कुकर्म करने वाले दूर चला जा। कहता है कि जो कोई सिर्फ हे प्रभु कहता है, मेरी बात सुनकर उन्हें नहीं मानता है, तो वह कुकर्म करने वाला यानी पाप करने वाला व्यक्ति होता है। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुनने के बाद अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर चलाता है, तो वह कुकर्म करने वाला नहीं परंतु स्वर्ग के अंदर जाने वाला व्यक्ति होता है।
इसीलिए कहता है कि उन लोगों को मैं जवाब दूंगा, कहूंगा मैं नहीं जानता, नहीं पहचानता, इसलिए हे कुकर्म करने वाले मेरे आंखों के सामने से दूर रख जाओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर के इच्छा पर चलने वाला बनिए, तब आपको स्वर्ग की ओर से आपके ऊपर अनुग्रह होगा और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आज सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता इनके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार होने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में सर से पांव की भी जितनी बीमारियां वह सब नष्ट होने पाए। हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें पूरी रीति से खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, पेट के अंदरूनी हिस्से में बीमारी हो निकल जाए, सीने के अंदरूनी हिस्से में बीमारी निकल जाए हे परमेश्वर, आंख में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नाक में बीमारी हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए, चर्म रोग निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्ती में पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट होने पाए, पीलिया सनोफीलिया बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तूने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब के सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, मार्था के विश्वास जैसा जैसे लाजर को जिंदा किया उसी प्रकार हे प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में सब कुछ नया होने दे प्रभु। मैं तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से इनके लिए मनचाहा वरदान की आशीष मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार में आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए हे परमेश्वर। जो तेरे सेवा में लगा है उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, जो पढ़ाई लिखाई में उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, जो नौकरी की कमाई के क्षेत्र में उसके कमाई के क्षेत्र में आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इन सबके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष दे, ताकि इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए, तेरी आत्मा उतरे और हर एक को सामर्थ्य भरे। अभी देखो प्रभु को बहुतायत की प्रभु के नाम से बहुतायत के लोग पवित्र आत्मा से भर रहे, पवित्र आत्मा बहुतायत लोगों को छू रहा है, छू रहा है, रिसीव करो। लिवर इन दे बस सकला बल रेबा रेबा सिंधी शिखर रबा सुंदोलो रेबा सकला। महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ सबके सब पाकर तृप्त हो जाए और हर एक के जीवन में आज नए चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष पर चंगाई मांगते हैं। हाँ मैं परमेश्वर सब हरि को आशीष दे। God bless you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।